हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ चिली बेबी कॉर्न। इसे बनाने के लिए हम मिक्सिंग बाउल लेकर उसमें 2 कप बेबी कॉर्न को, जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, ऐड कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, 1 टीस्पून रॉक सॉल्ट या इच्छा अनुसार ऐड कर देते हैं। 1/2 टीस्पून केन पेपर, इसे भी हम घटा बढ़ा सकते हैं, और 1/2 टेबल स्पून राइस फ्लोर या कॉर्न फ्लोर। इन सभी को हम कॉर्न्स के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम एक पैन गरम करते हैं, उसमें 1/2 टेबल स्पून कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल डाल देंगे, और गरम होने पर 1/2 कप स्प्रिंग ऑनियन का वाइट वाला हिस्सा स्लाइसिस में करके ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून अदरक क्रश की हुई, दोनों को हम रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट होने के बाद ऐड कर देते हैं 1/2 कप लाल शिमला मिर्च स्लाइसिस में, 1/2 कप पीली शिमला मिर्च स्लाइसिस में, और 1/2 कप स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन वाला पार्ट छोटे छोटे पीसीस में करके इसे हम डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करके ढककर हम 4-5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। ओवर कुक भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी क्रंची रहेगी तो अच्छा है। फिर ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून केन पेपर, 1/2 टीस्पून या स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून विनेगर। सभी को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। फिर 1/4 कप कॉर्नफ्लोर पानी में घोलकर इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। लास्ट में ऐड कर देते हैं जो हमने बेबी कॉर्न 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए एयर फ्रायर में फ्राई किए थे, उसे डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हो गए हमारे चिली बेबी कॉर्न। अब इसको और हेल्दी बनाने के लिए 1 टेबलस्पून तिल, सफ़ेद तिल, अच्छे से मिक्स करके हमारे हेल्दी बेबी कॉर्न तैयार। चिली बेबी कॉर्न टेस्टी स्नैक्स होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी हैं। अब हम इसके कुछ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डिस्कस करते हैं। बेबी कॉर्न में विटामिन ई काफ़ी क्वांटिटी में होता है, जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत हेल्दी है। इसमें विटामिन सी भी होता है, जो हमारी बॉडी की सेल्स को डैमेज होने से बचाए रहता है। ये हमें कैंसर और हार्ट प्रॉब्लम से भी बचा कर रखता है। बेबी कॉर्न में बहुत सारी क्वांटिटी में फाइबर होते हैं, तो ये हमारा डाइजेशन भी बढ़िया रखता है। बाउल मूवमेंट को हेल्दी मेंटेन करने में भी हेल्पफुल है। सफ़ेद तिल में मैग्नीशियम और कैल्शियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसमें पॉलीफिनॉल होता है, जो कि बालों को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सफ़ेद तिल में नेचुरल ऑयल होते हैं, जो कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से बचा कर रखते हैं। तिल में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं। ये बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालने में हेल्पफुल है। डिफरेंट कलर शिमला मिर्च। चिली बेबी कॉर्न बनाने में हमने स्प्रिंग ऑनियन, लाल पीली शिमला मिर्च यूज़ की है। ये कलरफुल वेजेस इस डिश को रेनबो डाइट बनाकर हमारी बॉडी के सभी न्यूट्रिएंट्स दे देती हैं, जो कि उसे हेल्दी बनाने के लिए चाहिए। रेनबो डाइट में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज काफ़ी क्वांटिटी में होती हैं, जो कि हमारे दिमाग के फंक्शन को तेज करती हैं। रेनबो डाइट कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने में भी हेल्पफुल है, जिससे हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क कम हो जाता है। देखा फ्रेंड्स, टेस्टी चिली बेबी कॉर्न कितनी हेल्दी प्रॉपर्टीज से भरा हुआ है। इसे बनाकर इसका टेस्ट और हेल्थ बेनिफिट्स दोनों लीजिए। ओके फ्रेंड्स, यू ऐप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे हेल्दी रेसिपी के साथ।